वो पर्यावरण की रक्षा करने की है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। मुझे ये भी हमारे आज ये पेरिफेरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर्ड हो, काम न करने वाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो, किसी की बैंक गारंटी जब्त हो। ये बैठे हुए अश्विन के पदाधिकारी के लिए याद रखना, तुम अच्छा मेंटेनेंस करो। आज मैंने देखा रोड बहुत गंदा मेंटेनेंस था, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए मैंने अभी चेयरमैन साहब को कहा है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड हम नया शुरू करेंगे। जो मेंटेनेंस करने वाले ग्रीन मेंटेनेंस में जिन्होंने प्लांटेशन अच्छा किया है, ऐसे हाईवे ऑपरेटर को और उसके लिए जिम्मेदार आरओ और पीडी को और उस एजेंसी को हम हर साल पुरस्कार भी देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा और जो गंदा काम करेगा उसको सिस्टम से भगाने का काम करेंगे, उसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। मैंने अभी राज्य मंत्री को कहा कि आप हर रोड से एमिनिटीज में जाओ, टॉयलेट में जाओ और देखो, और जहाँ खराबी होगा वहाँ डंडा चलाओ। और इसीलिए ये रोड के काम भी मैंने देखे, अभी हम लोग विश्वास रखते थे, अब इसके बाद जो मेंटेनेंस क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा वो चाहे विदेशी कंपनी हो उनको वापस भेजने का काम करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे और कई टेंडर नहीं भर सकेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। तो आप कॉशियस हो जाइए, काम अच्छा करिए, प्लांटेशन करिए और जो आपको मिलता है उसमें देश के पर्यावरण के लिए आप कॉन्ट्रीब्यूट करिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड देंगे, आपको पुष्पहार पहनाएंगे, आपका सत्कार करेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे। और अच्छा काम नहीं करेंगे तो NHI से तुम्हारी छुट्टी करेंगे। अब रोड का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब हम विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गए। अब हमको लोगों को रिटायर्ड करना, सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना, टर्मिनेट करना, इसका रिकॉर्ड बनाना है। मेरी बात को गंभीरता से लो। अगर आपको लगता होगा तो मैंने राज्य मंत्री को कहा हर रोड पर घूमो और मैं भी घूमूंगा। कल मैं अच्छा काम मैंने देखा, तमिलनाडु में था,